नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। गंज बासोदा में तीसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, जफर कुरैशी के वेयर हाउस पर प्रशासन ने बोला धावा, राजस्व सीमा पर रखे सामान किए जब्त, विद्युत पोलों पर चलवाई जेसीबी। वेयर हाउस पर मिली नॉट फॉर सेल की सीमेंट की बोरियां, प्रशासन ने कहा इन सीमेंट की बोरियों की होगी जाँच, लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई एक्शन मोड पर है। विद्युत विभाग के एसआई पर लोकायुक्त का छापा पड़वाने के बाद से जफर कुरैशी पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार तीन दिनों से प्रशासन की अलग अलग विभाग की टीमें जफर कुरैशी और उसके रिश्तेदारों के अवैध धंधों पर छापेमारी में लगी हुई है। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम शिवरामपुर पडरिया में कुरैशी के निर्माणरत वेयर हाउस पर पहुंची, जहां राजस्व सीमा पर रखे सामान को जब्त किया। वहीं विद्युत पोलों और ट्रांसफार्मर टोल काटे पर भी जेसीबी चलवा दी गई। और वहीं वेयर हाउस बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते अनुमति पर सरपंच सचिव के हस्ताक्षर भी झूठे निकले, जिस पर पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए 420 एवं अन्य धाराओं के तहत जफर कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विदिशा जिला ब्यूरो से मुकेश चतुर्वेदी की एक खास रिपोर्ट। वेयर हाउस की जानकारी मिली थी कि कुछ बाहर अतिक्रमण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तो आज हमने उसमें जांच की, तो इसमें कम से कम 5-10 बीघा ज़मीन में शासकीय जो बासोदा से सरोंज हाईवे जाता है उसके किनारे जो अतिक्रमण करके एक बोर कर लिया है, और गिट्टी और बजरी वगैरह और ये क्या नाम से अपने धर्मकांटा बना लिया है, तो उसको आज हटा रहे हैं, हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामान पाया गया हमारी ज़मीन में शासकीय में उसको जब्त कर रहे हैं। सर, जैसे कि सर यहाँ पर जो सीमेंट की बोरियाँ उस पर लिखा है नॉट फॉर सेल रिटेल, जो कि शासकीय एजेंसियों को प्रदान की जाती हैं, तो यहाँ कैसे आई, क्या आई, उस पर आपका क्या कहना? इसके हमने इनके फोटो ले लिए हैं, वीडियोग्राफी बना ली है, और ये जांच करवाएंगे, यदि अवैध पाया जाएगा तो इनको जब्त करके जो है और नीलाम किया। दूसरा सर, ये वेयर हाउस का भी FIR है गैर अनुमति से बनाया गया, इस पर क्या कार्रवाई होगी? वेयर हाउस ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो पंचायत अधिनियम 1993 में जो पंचायत के जनपद के अंतर्गत आता है, इसमें हम लोगों को अधिकार नहीं है, तो इसमें जो है पंचायत जो है कराएंगे। नहीं आप, लेकिन पंचायत को आप भेजेंगे तो पंचायत को हम सूचना देंगे। सूचना